Hello guys, welcome back to our channel. Friends, today we are going to discuss the company law committee report which has been published in the public domain और जो recommendations दी गई हैं to change the company law, जो suggestions दिए गए हैं Companies Act में incorporate करने के लिए. Let's start the video and discuss the few things. So guys, जो चीजें कंपनी लॉ कमेटी रिपोर्ट में बताई गई हैं फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द ऑडिटर फ्रेमवर्क, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. नंबर वन गाइज, NFRA ये रिकमेंडेशन दी गई है कि NFRA की पावर इंक्रीज करी जाए और उनको प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट में भी एम्पावर किया जाए टू पीनलाइज द ऑडिटर्स. NFRA को ये पावर दी जाएगी टू पीनलाइज द ऑडिटर्स अगर कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट मिलता है. दिस इज द रिकमेंडेशन एज पर द CLC रिपोर्ट टू इम्प्लीमेंट इन द कंपनीज एक्ट. नंबर टू गाइस, क्या बोला गया है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज जिनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है या फिर 500 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग और शेयर कैपिटल है, ऐसी बड़ी कंपनीज को जॉइंट ऑडिटर्स रखने पड़ेंगे. एक ऑडिटर से काम नहीं चलेगा, जॉइंट ऑडिटर्स रखने पड़ेंगे और वो ऑडिटर्स कोई भी नॉन ऑडिट सर्विस नहीं दे पाएंगे टू दीज कंपनीज. ऐसी रिकमेंडेशन भी दी गई है. और नंबर थ्री, एक जो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है, एक जो बहुत बड़ा चेंज आएगा कि अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी से रिजाइन करता है तो उसको डिटेल में रीजंस देने पड़ेंगे. खाली ये लिख के काम नहीं चलेगा कि ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन या फिर ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी. आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप रिजाइन कर रहे हो, क्या वहां पे कोई फ्रॉड तो नहीं था, वहां पे कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं थी. और बाद में अगर रेजिग्नेशन में कोई ऐसी चीजें मिलती हैं और अगर आपने रेजिग्नेशन में वो चीज नहीं लिखी गई तो आपको penalize भी करा जा सकता है. This is also a major change which is going to be implemented, right? तो ये कुछ changes आ रहे हैं friends. आजकल हमारे profession में काफी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी terms निकल के आ रही हैं कि भाई ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट की रिड्यूस हो रही है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रही हैं ऑडिटर्स के ऊपर. आपने कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी कि इट्स नाउ द टाइम टू बिकम अ ब्लड हाउंड, वॉचिंग द वॉच डॉग. NFRA जैसे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं who are watching the watchdog, ऐसी टर्म्स आपने जरूर से सुनी होंगी. मैं एक बार चाहूंगा कि आप जरूर से इन बारे में सोचें और अपनी ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इस बदलते जमाने के साथ हमारे प्रोफेशन को भी थोड़ा बदलना चाहिए या फिर जो चीजें जैसे चल रही हैं एकदम परफेक्ट हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. Hit the like button and I'll see you in the next video. Thank you guys.